अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अनीस कुरैशी और आपका मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो होने जा रहा है ईद मिलादुन्नबी का। हमारे सिल्लौड शहर में ईद मिलादुन्नबी कैसे मनाई जाती है मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वहां पर जाता हूं मैं और आपको बताता हूं कैसे ईद मिलादुन्नबी हमारे सिल्लौड शहर में मनाई जाती है। तो चलिए वहाँ पर जाते हैं। कई आवाज जश्न विलादत की खुशी में आए हैं, जिनकी सुन्नत यह है कि मैं आका सुनूँ कि सरों पर हमेशा इमामा रहा करता था। तो ऐलान समाज कर लीजिए, इंशाल्लाह जुलूस जिस तरह से भी चलेगा, नाते पाक फरीद आपको भी पढ़ना है, नारे मरहबा के नारे लगेंगे, आपको नारे भी लगाना है इंशाल्लाह, की तिलावत कलाम पाक होगी। फिर इसमें एक ध्यान रखना है, कोई गैर शरई नारा यहाँ से नहीं लगेगा, जो नारा माइक से लगे वही आपको लगाना है, और आप भी अगर लगाए तो कोई शरीयत के खिलाफ नहीं, और किसी भी शख्स के खिलाफ हमें कोई नारा नहीं लगाना है, चाहे वो कोई भी हो। हमें सिर्फ आकर सलाम की रिजा और हमारी ये सबसे पहली ये नीयत होनी चाहिए। हम जुलूस पाक में शुरू से लेकर तो इंशाल्लाह आखिर तक शिरकत करेंगे, इंशाल्लाह आखिर तक जब दुआ होगी इंशाल्लाह रजनी किराना के पास वहाँ तक इंशाल्लाह शरीक रहेंगे, दुआ करके फिर इंशाल्लाह जाएंगे। और एक नीयत कर लीजिए, हम तो किसी को दिखाने के लिए जुलूस नहीं निकाले हैं, हम हमारे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में अल्लाह पाक को राजी करने और उसके महबूब की रजा पाने के लिए हमने जुलूस निकाला है। इस बात का बहुत ख्याल रखिए, किसी को जलाने और किसी को धमकाने के लिए जुलूस नहीं है, बल्कि हम लोग सलाम जी का जुलूस है। इस बारे में ध्यान रखिए, और जब भी नाच बजे तो मेहरबानी करके जिस तरह मरकूज से दूसरे कोई अभी तो नाचते गाते उनके तरीक लामा। और ये ऐलान करता हूँ मैं जुलूस मोहम्मदी कमेटी का जिम्मेदार नहीं, गैर जिम्मेदार जो भी हूँ मैं मेरी तरफ से ये ऐलान करता हूँ कि इस जुलूस की क़यादत इंशाल्लाह सुन्नी जामा मस्जिद के इमाम हजरत मौलाना हाफिज़ कारी शमशाद रफ़ी साहब इंशाल्लाह इस जुलूस के कायद और रहनुमा होंगे इंशाल्लाह, है ना। हम आप सब उसकी तारीफ करते हैं ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम साथी इसकी तारीफ कर रहे हैं, मैं हजरत के इस जुलूस के कायद होने का ऐलान करता हूँ। आइए हजरत जी की ज़बान इंशाल्लाह तिलावत कलाम पाक करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, आपने सुना है कि ऐसे जुलूस भी नहीं निकालना चाहे कि किसी का रास्ता रुके, हम ये रास्ता अगर घेर रहे हैं तो वो रास्ता चालू होना चाहिए। तो हम जिस जिस जगह पे भी जुलूस की गाड़ी जिम्मेदार जा रोकेंगे वहीं पर रुकेगी, और कोई मुतालबा ना करे कि यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर रुकिए। जो भी आड़ा रास्ता आएगा उस रास्ते पर जो है तो हमारा जुलूस नहीं रुकेगा, बल्कि जुलूस पूरा गुजरने के आगे जाने के बाद इंशाल्लाह वहाँ पर हम रुकने की कोशिश करेंगे कि हमारे आका ने रास्ते की भी हुकूमत पता है ना, तो हमारे वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसके बाद का ध्यान रखेंगे। और पुलिस प्रशासन तो हमको आखिर तक साथ देना इंशाल्लाह, है ना, हम उनके जैसा वो गाइडेंस करेंगे इंशाल्लाह, हम उनके तहत चलते रहेंगे इंशाल्लाह। आइए तिलावत कलाम पाक सुनते हैं। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए तमाम हाजिरान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ससों की आमद, हम सब के सरकार, हम सबके सरकार, हम सबके लिए रहमत, हम सबके लिए रहमत। नारे तकबीर, नारे